नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से ELV चंदन मंडल YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज बहुत तेज बारिश हुई है, बहुत जोरों की बारिश हुई है और मेरे सारे गमले जितना भी दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये सारे गमलों में बहुत ही अच्छा पानी गया है और सबों की मिट्टी बहुत ही नम हो गई है, बहुत भीगी हुई है दोस्तों। इसीलिए आज दोस्तों मैं इस पर किसी भी तरह का काम नहीं करने वाला हूँ। आज बस दोस्तों मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ कि मेरे पास अभी तक कितने पौधे मौजूद हैं। तो दोस्तों ये आप सामने में देख सकते हैं कि ये मेरा गुलदावरी का सेट तैयार है। दोस्तों अब यह वक्त आ गया है, जैसा कि शरद ऋतु प्रारंभ हो चुका है, तो दोस्तों बहुत जल्द अब इस पर फूल भी लग जाएंगे। यह पौधा मेरा पूरा तैयार है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यह नीला फूल है दोस्तों, ये देखिए कितना खूबसूरत ये तैयार है मेरा नीला फूल। ये दोस्तों सुबह में फटता खूब ढेर सारा फूल लगा रहता है, लेकिन क्या है कि यह भगवान पे चढ़ाया जाता है दोस्तों, इसीलिए इसमें से बच्चे लोग क्या करते हैं सवेरे सवेरे तोड़ लेते हैं। अब दोस्तों ये देखिए, आप लोग इसका वीडियो भी देखे होंगे, यह जूही है दोस्तों। कुछ दिन पहले पुराना वीडियो अगर आप लोग देख पाएँ तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों उसका लिंक भी दिया हुआ रहता है। इसकी प्रूनिंग मैंने की थी, प्रूनिंग के बाद दोस्तों यह कितना खूबसूरत हो चुका है, कितना यह घना हो चुका है। इसके बाद दोस्तों मैं दिखलाना चाहूँगा आप लोगों को, ये देखिए दोस्तों ये एडेनियम है दोस्तों। इस पर फूल भी के छोटे छोटे कली भी आ रखे हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कली भी आ रखे हैं दोस्तों। ये एडेनियम है दोस्तों और यह एक खूबसूरत सा प्लांट है। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को दिखलाना चाहूँगा, ये दोस्तों देखिए क्रोटन, ये क्रोटन है दोस्तों। कितना खूबसूरत, कितने खूबसूरत इसके पत्ते होते हैं, ये मैं आपको नज़दीक से दिखलाना चाहूँगा कि ये दोस्तों ये कितना मस्त है। देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत वैरायटी है क्रोटन का। इसके बाद दोस्तों गुलाब की भी स्थिति अच्छी है, जैसा कि आप लोगों को मैं बार बार दिखला रहा था। इस पर वर्मी कंपोस्ट और सरसों की खल्ली और चाय की पत्ती वगैरह का यूज करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यह कितना शानदार, इसके कितने शानदार पत्ते निकले हुए हैं, ये दोस्तों देख सकते हैं आप लोग। ये दूसरा वाला पौधा भी बहुत ही अच्छे लेवल में है दोस्तों। इधर पानी लगी हुई है दोस्तों मेरे छत पर, इसीलिए मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। ये दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखलाना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा जो बोनसाई, मिनी बोनसाई है ये दोस्तों, देखिए मिनी बोनसाई। ये भी, इसका भी वीडियो मैंने आप लोगों को डाला था जिस समय प्रूनिंग की थी। प्रूनिंग के बाद दोस्तों इसकी यह मिनी बोनसाई कितना खूबसूरत ये हो चुका है। इसके बाद दोस्तों एक बोनसाई है, पीपल का बोनसाई जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, ये दोस्तों देखिए ये भी एक शानदार रूप ले रहा है। और दोस्तों मैं आपको दिखलाना चाहूँगा अपने करेले की लत्ती को, ये करेला जिसका भुजिया दोस्तों हम लोग खाते हैं, सब्जी खाते हैं। ये दोस्तों देखिए करेला कितना शानदार फरा हुआ भी है करेला दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा करेला फरा है। वह हल्दी का जो हल्दी पाउडर जो था दोस्तों, वह छिड़कने के बाद की ऐसी स्थिति हुई है। और दोस्तों मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, ये देखिए दोस्तों कितना शानदार वैरायटी है। ये दोस्तों कोई फूल का पौधा नहीं है, यह अनानास का पौधा है दोस्तों। इसमें अनानास फरेगा दोस्तों और उसे हम लोग बड़े शौक से खाएंगे। इसके बाद दोस्तों ये रंगून क्रीपर है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे इसके पत्ते हैं और इस पर शानदार फूल भी लगते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को दिखलाना चाहूँगा ये, जिस पर हम लोग लगातार काम करते आ रहे हैं, इसमें फिर से ढेर सारे फूल आ गए हैं सरसों की खल्ली देने के बाद दोस्तों। ये देख लीजिए इसका कलर इस बार बहुत ही ज़्यादा डीप हुआ है। ये सरसों की खल्ली यूज़ करने के बाद दोस्तों जब इसके पत्ते ग्रीन हो गए हैं, हरे हरे बहुत ज़्यादा ग्रीन हुए हैं, तब इसका कलर भी बहुत निखर गया है दोस्तों। ये जर्द लाल हुआ है इस बार, जर्द लाल निकलेगा दोस्तों। और ये दूसरी जो प्रूनिंग मैंने कर रखी थी, इस पर ढेर सारे इस पर अब ब्रांचेज आने शुरू हो गए हैं, जैसा कि ये दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये ढेर सारे इस पर दोस्तों ब्रांचेज आना शुरू हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों ये हरसिंगार है दोस्तों, इसकी प्रूनिंग मैंने कर रखी थी,
उसका वीडियो भी दोस्तों आप लोगों ने देखा। ये प्रूनिंग करने के बाद का रिजल्ट है दोस्तों, कितना शानदार। इस पर ढेर सारे ब्रांचेस आ गए हैं, नए नए पत्ते आ गए हैं दोस्तों। ये भी दिसंबर में इस पर ढेर सारे फूल लगेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये मिनी वैरायटी का था रुकमणी, ये इस पर भी मैंने ढेर काम जो कर रखा था आप लोगों ने देखा। ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टेज में आ गया है। ये दोस्तों मिनी वैरायटी का जो रुकमणी था ये मर गया था दोस्तों, इसे मैंने आप लोग के सामने ही रिपोर्टिंग की थी। और इसमें जब सरसों की खली मैंने दी दोस्तों, तो अब यह पौधा बच गया है, अब यह नहीं मरेगा। इस पर नए नए पत्ते आना अब शुरू हो गए हैं। और दोस्तों अब आगे चलते हैं, ये देखिए दोस्तों गुलाब कितना अच्छा कंडीशन हो गया है। गुलाब का नए नए ब्रांचेज आ गए हैं, पत्ते ढेर सारे पत्ते आ गए हैं, कलियां आना शुरू हो गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये जो गुलाब था ये भी मरा हुआ गुलाब था, लेकिन दोस्तों अब पूरा जीवित हो गया है। ये आप देख सकते हैं कितना शानदार स्थिति इसका बना हुआ है। ये जो दूसरा एकदम मरा हुआ गुलाब था दोस्तों, जिस पर सिर्फ दो ही तीन पत्ते नज़र आ रहे थे, ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब ये इसमें शानदार, नज़दीक समय आप लोगों को दिखलाना चाहूँगा कि कितना शानदार इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि ब्रांचेज आना शुरू हो गया है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँगा कि अब जब सीजन आ गया है गुलदावरी का, तो गुलदावरी की ये बेड एक तैयार मैंने कर रखी है, जिसमें पीला गुलदावरी है और लाल गुलदावरी है दोस्तों। अब जैसे कि आज तो शनिवार है दोस्तों, कल संडे है, कल मैं इसे यहाँ से अब बाहर निकाल कर दूसरी जगह रखूँगा, और उस पर भी मैं जब काम करूँगा दोस्तों, तो मैं आप लोगों को दिखलाऊँगा कि मैं कैसे अपने स्टाइल में काम करता हूँ। और अब तैयार करूँगा मैं गुलदावरी की एक ज़बरदस्त सेट में तैयार करके आप लोगों को मैं दिखलाऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबा दे, लाइक करे, कमेंट करे और अपने अन्य मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।